Meet Manish Singh Rawat, India's famous walker from Uttrakhand. Rawat finished 13th in the finals of men's 20-kilometer walk event with a timing of 1 hour 21 minutes 21 seconds at the Rio Olympics. One might question, what is great in being a low 13th in an event like an Olympics? But Singh is not your everyday athlete. Here is the moving story of a journey of a waiter to become a walker. सबसे पहले तो डिफ़िकल्ट तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं कभी 2012 में सोचा नहीं था कि मैं 2016 ओलंपिक खेलूँगा. सिर्फ एक माइंड में था कि क्या मैं खेलूँगा, ये नहीं था कि मैं खेलूँगा ही खेलूँगा. तो इसी हिस्ट्री को मतलब बताएं किस तरह की, मतलब हर छोटे छोटे स्टेप को मैं बढ़ाते हुए, अपना नेशनल जाना है, नेशनल मेडल लेना है, स्कूल नेशनल जाना है, स्कूल नेशनल मेडल लेना है. और 2013 में पहला सीनियर नेशनल खेला था और 20 किलोमीटर में मैं किसी कारण डिस्क्वालीफाई पहले दिन हो गया और दूसरे दिन मैंने 50 किलोमीटर किया और उसमें मेरा सिल्वर मेडल आ गया. और उसी के बाद मैं कैंप में आ गया, नेशनल कैंप में. और मैंने उसके बाद चाइना में जाके वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वालीफाई कर दिया था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए 15 में फिर मैंने ओलंपिक क्वालीफाई कर दिया. तो स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा रहा, गोल बनाता रहा और पता भी नहीं लगा कि ओलंपिक खेल गया मैं. Manish worked as a part-time waiter in a hotel in Uttarakhand. Due to the tough financial situations of his family, Manish had several part-time jobs to make ends meet for his family and train for his event. मैं सोच के तो ये स्टार्ट की कि मैं किसी तरह अपनी फैमिली को ठीक कर दूं. घर में कमाने वाला कोई नहीं था, मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं था. मेरे पास ये था कि मैं किसी तरह जॉब लग जाऊं. जॉब लगने के लिए मैं वॉकिंग करता था और वॉकिंग से मतलब मेडल मिलने लगा, थोड़ा बहुत कमाने लगा मैं. उससे पहले कमाई का साधन मेरे पास, जैसे कि आपको आपको पता है, बद्रीनाथ में 2006 में मैं होटल में काम किया. उसके बाद फिर मैंने ट्रैवल, जो हमारे गांव से एक मंदिर है ऊपर, बहुत ऊपर है, उस मंदिर में वॉकिंग करते हुए मैं लोगों को ले जाता था, जो टूरिस्ट आते थे उनके साथ काम करना, उनको रास्ता दिखाना. तो ये सारे काम, कभी दूध बेचना, कभी सब्जियाँ ले जाना यहाँ वहाँ, तो ये सारे काम करता था. इन सब चीज़ों को, हर चीज़ में किसी तरह दो थोड़ा कमाई कर लूँ, थोड़ा सा अपना खर्चा हो जाए, थोड़ा घर वालों को दे दूँ, सिस्टरों की किस तरह शादी वादी कराऊँ. तो ये सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे कोशिश किया सब कुछ और आज मतलब फिर उत्तराखंड पुलिस में लग गया मैं 2011 में, तो वहाँ से मेरे रास्ते खुल गए. He did think of quitting, but as they say, winners never quit. मेंटल ब्लॉक तो बहुत ज़्यादा सोचता रहता था, कभी कभार तो नींद भी नहीं आती थी कि क्या होगा, कल इवेंट है, परसों इवेंट है, क्वालिफाई करूँगा. मतलब इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि पता नहीं लगा. टेंशन तो हमेशा थी, ओलंपिक तक टेंशन थी, ओलंपिक के आने बाद भी टेंशन थी कि क्या मैं अच्छी पोस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी. लेकिन आज की डेट में सब कुछ फाइनल है कि सजेस्ट हूँ, सेटिस्फाई हूँ अपने से कि इतना कुछ सालों से किया और आज सब कुछ है मेरे पास. Things have changed for Manish post Rio Olympics. 26 ओलंपिक के बाद बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हो गई है. मेरे गांव वाले आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझे देख के काफ़ी लोग इंस्पायर हुए हैं और वॉकिंग कर रहे हैं. मैं खुद इंस्पेक्टर बन गया हूँ उत्तराखंड पुलिस में और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो, घर का माहौल चेंज हो गया, गाँव के लोग काफ़ी खुश हैं, सब लोग जानते हैं. तो अपने में प्राउड फील है कि थोड़ा सा कुछ किया था और आज सब लोग जान रहे हैं, तो काफ़ी खुशी है इस बात की. प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप कोच बनाता है और जैसा कि आपको अभी बताया उन्होंने, और हम खुद अपना माइंड में सेट किए हैं कि हम एक बड़े लेवल के कंपटीशन को कम्प्लीट करें और बड़े लेवल पे अपना परफॉर्मेंस दें. जैसा ओलंपिक था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन चैम्पियनशिप है, कॉमनवेल्थ एशियन गेम 2018 में जो आएंगे उनकी तैयारी है, और वर्ल्ड टीम रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप जिसमें हम हर साल 7th और 6th हो रहे हैं, 5th हो रहे हैं, तो उसमें मेडल की तैयारी है हमारी. उसी का टारगेट है, हम अपने फोकस उसी को बना रहे हैं. हाँ, अभी तो ले रहे हैं काफ़ी लोग सीरियस, खुद मेरी फैमिली और मेरे घर गांव वाले बहुत सारे लोग हैं जो वॉकिंग कर रहे हैं, तो आगे भी लेंगे और कुछ लोगों को तो मैं खुद गाइड करूँगा आगे के लिए. तो काफ़ी लोग बहुत अच्छा रिजल्ट, हो सकता है हमसे अच्छा रिजल्ट करें आने वाले टाइम में.